भीषण ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की ये मार अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने वाली है। भीषण ठंड और कोहरे के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई राज्यों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं कई राज्यों में ठंड के कारण तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में ठंड में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी डिस्टर्बेंस के कारण हिमालय के पश्चिमी भाग में भारी बर्फबारी की संभावना है, जिसके कारण उत्तर भारत में बारिश की आशंका है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं, जिसके बाद ठंड में बढ़ोतरी के आसार है। बता दें कि पिछले दिनों कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी। बढ़ती ठंड को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद भी कर दिया गया है। कुछ राज्यों में स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं आगरा में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं कुछ जगहों पर स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों का समय सुबह के बदले अब 10 बजे से 3 बजे तक रहने के आदेश दिए गए हैं। बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण कई राज्यों में सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिनों आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ, भागलपुर, रांची आदि जगहों पर दर्जनों हादसे हुए हैं, जिनमें जान माल का भी नुकसान हुआ है। वहीं ठंड की शुरुआत होते ही मरीजों का अस्पताल में तांता लगना शुरू हो चुका है। ओपीडी में सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। वहीं कानपुर के हैलेट अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वीपी प्रियदर्शी का कहना है कि इस ठंड के मौसम में सांस और स्ट्रोक के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। इसके साथ ही चेस्ट पेन, खांसी, जुकाम और बुखार के भी मरीज आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ठंड में सांस के मरीजों की दिक्कत बढ़ जाती है, जिसके कारण उन्हें भर्ती होना पड़ता है। ठंड में सांस के मरीजों को धूप निकलने के बाद वॉक पर जाना चाहिए और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों से ढके रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी कारण कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं। लोगों को कोविड से बचाव के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है।